जहां एक तरफ साल 2020 में कोरोना महामारी और कोरोना आपदा के चलते हुए पूरे विश्व में उथल पुथल मची रही, वहीं दूसरी तरफ साल 2021 के आगाज के साथ ही कोरोना वैक्सीन के इन्वेंशन या इजाद से लोगों में एक नई उत्साह और आशा का संचार हुआ है। चूंकि ये नया वैक्सीन है, इसलिए इसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह की चिंताएं, आशंकाएं और डर है, कई तरह के सवाल है, कई तरह की उलझने हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोरोना वैक्सीन से जुड़े कुछ सामान्य सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और विश्वसनीय मेडिकल जानकारी एक डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर, अ वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे। शुरुआत में आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हमारे भारत देश में इस वक्त कोरोना के अगेंस्ट दो वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोविशील्ड जिसका निर्माण ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेशिया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, और दूसरा वैक्सीन है कोवैक्सीन जिसका निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले बहुत संक्षिप्त में समझते हैं कि आखिर कोविड वैक्सीन है क्या। कोविड वैक्सीन में कोरोना वायरस के डेड या इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स होते हैं जिनको वैक्सीन के माध्यम से आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे आपके शरीर में एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से अगली बार अगर ये कोरोना का वायरस आपके शरीर पर हमला करेगा तो आपकी बॉडी एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जोरदार तरीके से जनरेट होगा, जिससे कि ये कोरोना वायरस के हमले के विरुद्ध आपकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी और वो उस हमले से आपको बचा पाने में भी सफल हो पाएगी। रूट क्या होता है और इसके कितने डोसेज लगाने आवश्यक होते हैं? तो कोरोना वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है और पूरी इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए आपको इसके दो डोसेज लगाने आवश्यक होते हैं। जिस वैक्सीन का आपने पहला डोसेज लगाया था, उसी वैक्सीन का आपको दूसरा डोसेज 3 से 4 हफ्ते के अंतराल में लगाना होगा। जब आप वैक्सीन का दूसरा डोसेज ले लेंगे तो उसके तकरीबन 10 से 15 दिन बाद आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, जिससे कि आपको कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी आ जाएगी। कोरोना वैक्सीन किन किन लोगों को लगाया जाएगा? 130 करोड़ की भारत की जनसंख्या के मद्देनजर सभी लोगों को एक साथ वैक्सीनेट करना तो मुमकिन है ही नहीं, इसलिए हमारी सरकार ने इस टीकाकरण अभियान को चरणों यानी फेसेस में लागू करने का निर्णय लिया है। पहला फेज 16 जनवरी से शुरू हो चुका है और पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट करा जाएगा। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स से तात्पर्य होता है डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ये सभी लोग जो मरीजों के कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं और जिनको कोरोना से संक्रमित होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इनको पहले चरण में वैक्सीनेट करा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो हमारे सुरक्षा बल हैं, सैनिक कर्मी हैं, जो हमारी सफाई कर्मचारी हैं, हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं, इनको भी पहले चरण में वैक्सीनेट करा जाएगा। इसके साथ ही 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और 50 साल से कम उम्र के भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनमें साथ में कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटीज यानी कि दूसरी बीमारी से पीड़ित होने की वजह से उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी कि 50 साल से कम उम्र के लोग जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज या कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको भी पहले चरण में वैक्सीनेट करने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल यह है कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए है? जिन लोगों को किसी भी प्रकार के वैक्सीन या वैक्सीन के किसी भी तत्व से पुरानी हिस्ट्री है एलर्जी की, या कोई सीवियर एनाफाइलेक्टिक या एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, या जो किसी भी प्रकार की रक्त जनित बीमारियों से पीड़ित है, या जो ब्लड थिनर्स टाइप की गोलियां लेते हैं, ये वैक्सीन लगाने की सलाह नहीं दी जा रही है। सवाल ये उठता है कि हमारे भारत में जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं, क्या वो विदेशी कंपनियों को वैक्सीन से मुकाबला करने में सक्षम भी हैं कि नहीं है? भारत में जो दो वैक्सीन बनाई जा रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड,
उनको स्टोर करने के लिए तकरीबन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही आसानी से हमारे फ्रिज में स्टोर करके उसको लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो विदेशी कंपनियों की वैक्सीन है, जैसे कि मॉडर्ना वैक्सीन, उसको स्टोर करने के लिए तकरीबन -20 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ जो फाइजर का वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है। हमारे भारत जैसे गर्म देश में इस तरह का कोल्ड चेन मेंटेन करना, इस तरह की स्टोरेज व्यवस्था करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसके चलते हुए इस लिहाज से सेफ्टी, इफिकेसी और स्टोरेज के लिहाज से हमारे भारत वैक्सीन किसी भी विदेशी कंपनी के वैक्सीन के मुकाबले बहुत ही बेहतर साबित हो रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी इफिकेसी के बारे में कि आखिर ये जो कोविड वैक्सीन से कितने असरकारक हैं। इनकी असरकारक क्षमता अभी 70 से लेकर 95% तक नापी गई है, यानी अगर 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा तो तकरीबन 70 से लेकर 95% लोगों में इसके लगाने के पश्चात रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यानी कि 100% इम्यूनिटी तो नहीं आएगी। एक डॉक्टर होने के नाते इस पॉइंट पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जन्म से लेकर बचपन से लेकर आज तक जितने भी वैक्सीन आपको लगाए गए हैं उनमें से किसी की भी इफिकेसी आज तक 100% नहीं है। आज तक कोई भी वैक्सीन ऐसा ईजाद नहीं हुआ है जिसकी इफिकेसी, जिसकी असरकारक क्षमता 100% रही है। इसके बावजूद भी वैक्सीन लगवाने के बाद आप किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में सक्षम हो पाए हैं। इस लिहाज से दोनों ही वैक्सीन्स, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनकी इफिकेसी यानी असरकारक क्षमता बहुत ही बेहतरीन मापी जा रही है। अब हम बात करते हैं इनकी सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, चिंतित कर रहा है, आखिर ये वैक्सीन लगाना सुरक्षित भी है कि नहीं है, कहीं से मौत तो नहीं हो जाएगी। अभी तक की जो ट्रायल्स हुई हैं, जो स्टडीज हुई हैं, जितने लोगों को वैक्सीन लगाया गया है उनमें इन वैक्सीन की सुरक्षा यानी सेफ्टी प्रोफाइल 90 से लेकर 95% तक मापी गई है। वैक्सीन लगाने के बाद आपको कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स बहुत ही कॉमनली आ सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन साइट पे आपको हल्का सा दर्द महसूस होता है, अगले कुछ घंटों या 2-3 दिन के लिए आपको हल्की कपकपी लग सकती है, हल्का बुखार लग सकता है, थकान लग सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है या पेट में दर्द हो सकता है, जी मिचला सकता है, उल्टी लग सकती है। ये सब बहुत ही हल्के फुल्के से लक्षण होते हैं जो स्वतः ही 2 से 3 दिन में बिना दवाइयों के यूं ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेजर साइड इफेक्ट्स अभी तक किसी में नहीं देखे गए हैं। जो लोग भी बराबर ये ध्यान दे रहे हैं कि किन लोगों में वैक्सीन नहीं लगाना है, जैसे कि जो लोग पहले से एलर्जिक हैं उनको भी वैक्सीन नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर आपको पहले किसी भी प्रकार की एलर्जी वैक्सीन या वैक्सीन के किसी तत्व से रही है तो इस बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बता दें और इस बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करके फिर उनको ही इस बारे में निर्णय लेने दें। एक और खास बात, वैक्सीन लगाने के कुछ दिनों पश्चात एकाध जो अप्रिय घटना हुई है उसको वैक्सीन से जोड़कर देखना पूरी तरह से मूर्खता ही है, इसलिए वैक्सीन ना लगवाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। महत्वपूर्ण सवाल, जो लोग पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं क्या उनको भी कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं? देखिए, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माइल्ड से लेकर बहुत ज़्यादा तीव्र भी हो सकता है। आपकी बॉडी में कितना एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है या आपका एंटीबॉडी टाइटर करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ वैक्सीन के माध्यम से एक निश्चित तौर पर ही एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करा जाता है, इसलिए अगर आप पहले से कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना एंटीबॉडी टाइटर करवा लें। अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी टाइटर कम आता है यानी कि एंटीबॉडीज की मात्रा कम हो रही है तो बेहतर होगा कि आप कोविशील्ड वैक्सीन ले लें, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस वक्त आप ये वैक्सीन थोड़े समय के लिए अगले चरण तक के लिए स्थगित कर दें, पोस्टपोन कर दें और ज्यादा जरूरतमंद लोगों को इस वक्त पहले चरण में वैक्सीन लेने की सुविधा उपलब्ध कराएं। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद हमें किसी भी तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई मास्क नहीं लगाना, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना? जी नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें। कोविड वैक्सीन लगाने के पश्चात आप में तो इस वैक्सीन के चलते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी, लेकिन हो सकता है जाने अनजाने में गलती से आप एक कोरोना वायरस से अपनी जान पहचान के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए जब तक हमारे भारत देश की तकरीबन 60 से 70% जनता इससे वैक्सीनेट नहीं हो जाती, एक हर्ड इम्यूनिटी जनरेट नहीं हो जाती है, ये ट्रांसमिशन की चेन को हम ब्रेक नहीं कर देते हैं, तब तक ये बहुत जरूरी है कि हम सब एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करते रहें, यानी कि वैक्सीनेट होने के बाद भी हम अपना मास्क लगाते रहें, सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करें, हाथ बराबर धोते रहें, ताकि हम जाने अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना कर दें। हाँ, जब ये हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, जब ज्यादातर पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी, तब ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो वक्त भी जल्दी आएगा। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोविड वैक्सीन से संबंधित आपके कुछ उलझनों को सवालों को सुलझाने में कामयाब हो पाऊंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ध्यान से उसे लाइक करिए, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए सरकार की इस मुहिम में अपना सहयोग दीजिए। वैक्सीनेशन की बारी आने पर हिचकिचाए नहीं, बल्कि जाकर अपना वैक्सीनेशन बिल्कुल लीजिए और ध्यान से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। विल सी ऑल वेरी सून।